हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में देखने वाले हम ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में, ब्रेक इवन क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, और इसको सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम कुछ, उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट इन प्रोडक्शन। तो कॉस्ट इन प्रोडक्शन की बात करने से भी पहले हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी रॉ मटेरियल को एक वैल्यूड आइटम में कन्वर्ट करते हैं जो कि कस्टमर के लिए यूज़फुल होता है। तो प्रोडक्शन का मतलब यदि हम ड्रॉ करना चाहें, प्रोडक्शन इज डायरेक्टली इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कन्वर्टेड टू फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस प्रोसेस इज वैल्यू एडिशन। तो ये तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन है कि रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है ताकि वो कस्टमर के लिए यूजफुल हो। ठीक है, कई सारी प्रोसेस होती है प्रोडक्शन की, लेकिन अभी यहाँ पर हम प्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम प्रोडक्शन की इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन में कॉस्ट कैसे होती है, हमको कब पता चले कि हम फायदे में हैं हमारा प्रोडक्शन या नुकसान में है। हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पता चले कि हमको नुकसान ही हो गया तो हम क्यों अपने रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे, क्यों अपना समय वेस्ट करेंगे, उसके लिए हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट इन प्रोडक्शन देख लेते हैं। 5 तरह की कॉस्ट होती है, प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। सबसे पहले हम डायरेक्ट कॉस्ट देख लेते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट कॉस्ट का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट में आपका ये डायरेक्ट कॉस्ट कंट्रीब्यूट करता है। सपोज डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बिना आपका फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। डायरेक्ट लेबर की बात करें तो वो लेबर जो कि डायरेक्ट ही मशीनिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, डायरेक्ट ही किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। लेबर 2 तरह की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर वो होती है, सपोज एक बंदा मशीन पे काम कर रहा है, यदि वो मशीन पे नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर होती है जैसे सपोज वॉचमैन, वॉचमैन क्या है, फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ है, यदि वो फैक्ट्री के बाहर 5 मिनट के लिए खड़ा भी नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन रुकेगा तो नहीं ना। मतलब कि डायरेक्ट लेबर वो होती है जो डायरेक्ट ही हमारे प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही है, यदि वो 1 सेकंड के लिए भी हट जाए अपने काम से तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। सिमिलरली और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि 5 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चले जाए तो हमारा प्रोडक्शन पूरा रुक जाएगा। सिमिलरली और भी कई सारी चीज़ें होती है जो कि हमारे प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको हम डायरेक्ट कॉस्ट में डालते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट, इसका दूसरा नाम प्राइम कॉस्ट भी है। दूसरा ब्रैकेट है फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसमें भी 3 कैटेगरी है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों अलग अलग हैं। सिमिलरली डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट इनडायरेक्ट मटेरियल लाइक लुब्रिकेशन, यदि बिना लुब्रिकेशन के मशीन 5 मिनट भी चल गई तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा, मशीन की लाइफ पर फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारा करंट जो प्रोडक्शन गोइंग है उसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इनडायरेक्ट लेबर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वॉचमैन का, लाइक हायर ऑफिसर्स क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को, यदि वो 5 मिनट के लिए गायब भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और इनफैक्ट ज़्यादातर वो गायब भी रहते हैं, वो 5 मिनट के लिए आते हैं पूरे दिन में, तो प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ वो बात अलग है कि सिस्टम ऐसा है कि सर हाइएस्ट ऑफिसर ही नहीं आ रहे, हायर ऑफिसर तो लेबर भी काम नहीं कर रहे, बट आइडियली जो होना चाहिए हायर ऑफिसर सिर्फ सुपरवाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक स्टेशनरी आइटम्स। स्टेशनरी आइटम्स ऑफिस की रनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि स्टेशनरी आइटम्स नहीं होगा तो कैसे तो कोई सील लगाएगा, कैसे कोई साइन करेगा हायर ऑफिसर, जो कि प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बट यदि वो 5-10 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन तुरंत रुक जा रहा है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या फ़र्क होता है। डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही है कि भले ही जो इनडायरेक्ट कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं ये तुरंत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिना इनके भी हमारा प्रोडक्शन लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यदि हमको प्रोडक्शन करना है तो हमको दोनों ही कॉस्ट अकर करनी पड़ेंगी, दोनों ही कॉस्ट हमको सहन करनी पड़ेंगी। तो फैक्ट्री कॉस्ट किन किन का सम है? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है कि जब हमारा प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल रहा है तब उसकी कीमत क्या है, तब उसकी कीमत है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के 2 कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड।
सिमिलरली अब यदि आपका कंपोनेंट बाजार में आपको सेल करना है, आपका प्रोडक्ट बाजार में सेल करना है, तो लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लोगों को पता होने के लिए तो लोकल जो रिटेल शॉप्स हैं, जो डीलर्स हैं, उनके पास आपका मटेरियल पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहले कॉस्ट आ जाती है ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। आपको यदि बाजार में बेचना है तो लोग को पता भी होना चाहिए। लोगों को पता किसके थ्रू चलता है? टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट लगती है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ये दोनों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। और भी कई सारी कॉस्ट होती हैं, तो टोटल कॉस्ट इनके समेशन से बनता है। तो मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाने वाला है, जो कंपनी का मालिक है, उसको क्या कॉस्ट पड़ी? उसको ये कॉस्ट पड़ी टोटल कॉस्ट, क्योंकि उसको तो अकर करना पड़ेगा ना ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टाइजमेंट की। बट जब कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट आता है तो वो सीधे इसी कॉस्ट में नहीं दे देगा, क्योंकि उसने इतना सारा टाइम लगाया, रिसोर्स लगाया, एनर्जी लगाई, तो वो कुछ तो प्रॉफिट लेगा। तो उसके लिए हमने बनाया सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ये मैन्युफैक्चरर की जेब में जाता है। इससे ये क्या करता है, जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी हायर एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी सैलरी वगैरह देते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट को टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से बनाया गया है। अब प्रॉफिट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कस्टमर की जेब से निकाला जाता है, भले ही प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो। एक्चुअली उसकी वैल्यू टोटल कॉस्ट से भी कम होती है, फैक्ट्री कॉस्ट के बराबर होती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट मिला के टोटल कॉस्ट बना। टोटल कॉस्ट में भी जब प्रॉफिट को ऐड करा गया तब सेलिंग कॉस्ट बना। मींस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, कंपनी जो सर्वाइव करेगी, वो इस बात पर सर्वाइव करेगी कि वो कितना मार्जिन ले रहे हैं, वो प्रॉफिट कितना ज़्यादा ले रहे हैं, कितना कम ले रहे हैं। तो आई होप ये कॉस्ट इन प्रोडक्शन तो आपको समझ में आए। अब हम बात करते हैं असली ब्रेक इवन एनालिसिस की, जिसका ये टॉपिक है। ब्रेक इवन एनालिसिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम इस चीज़ को चेक करने के लिए करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो फायदे में चल रहा है कि नुकसान में चल रहा है, हम फायदे में चल रहे हैं कि घाटे में चल रहे हैं। सपोज हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो कर दी 1000 यूनिट्स, लेकिन हमारी कॉस्ट लगी 1,00,000 रुपीज़ और हमारा जो रेवेन्यू आया वो 80,000 रुपीज़ ही आया। हमको तो फायदा फालतू में नुकसान हो गया ना, तो कोई आदमी क्यों प्रोड्यूस करेगा ऐसे? तो उसके लिए हम प्रोडक्शन से पहले ही ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारा कुल कितना पैसा जा रहा है मार्केट में, उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। कुल कितना पैसा आ रहा है हमारे पास वापस मार्केट से, उसको बोलेंगे टोटल सेल्स। टोटल कॉस्ट मीन्स हमारी जेब से कितना खर्चा हो रहा है, टोटल सेल्स मीन्स हमारी जेब में कितना पैसा आ रहा है पूरे प्रोडक्ट को सेल आउट करने के बाद में। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अभी आगे ग्राफ से हम इसको डिटेल में समझेंगे, बस अभी इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? वो पॉइंट जहाँ पे टोटल कॉस्ट यानी कि जेब से जितना पैसा जा रहा है इक्वल्स टू टोटल सेल्स यानी कि जेब में जितना पैसा आ रहा है, इसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस। यानी कि हमको यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, हमने जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा हमको वापस आ गया, ना तो हमको फायदा हो रहा है ना तो हमको नुकसान हो रहा है। अब हम देखेंगे यदि किसी पॉइंट पर टोटल सेल्स ज़्यादा हो जाता है टोटल कॉस्ट से, मतलब कि हम कम पैसा लगा रहे हैं लेकिन रिटर्न में हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है। यदि हम बोलते हैं कि टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, टोटल सेल्स कम है सारे कंपोनेंट सेल आउट होने के बाद, तब बोलेंगे कि हम लॉस में चल रहे हैं। इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके लिए हम दो कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स। टोटल कॉस्ट दो कंपोनेंट से फर्दर मिलके बना है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब नाम ही क्लियर है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि ये फिक्स्ड कंपोनेंट होता है टोटल कॉस्ट का। फिक्स्ड कंपोनेंट का मतलब है कि आप प्रोडक्शन चाहे 0 करो, चाहे 1000 करो, चाहे 10,000 करो, आपका फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होने वाला। इसको यदि मैं ड्रॉ करूँ कर्व पे तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ये कॉस्ट एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, मींस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन है ये। सपोज 10,000 रुपये, मीन्स हमारी फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपये, इसको एफ से डिनोट करें यदि हम, तो हम भले ही प्रोडक्शन, एक्स क्या है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो यदि 0 प्रोडक्शन करें, 1,000 प्रोडक्शन करें, 10,000 प्रोडक्शन करें, 1,00,000 प्रोडक्शन करें, लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होने वाली। तो ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई। अब हम यदि फिजिकल सेंस से देखें तो फिक्स कॉस्ट होती क्या है, तो फिक्स कॉस्ट इन चीज़ों से बनी होती है। सपोज हमने मशीन खरीदी, मशीन की कॉस्ट आ गई 1,00,000 रुपये, तो आप भले प्रोडक्शन करो या ना करो, आपने तो पैसे लगा दिए वहाँ पे मशीन खरीदने में। सिमिलरली हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे ले ली जहाँ पे हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो आप भले प्रोडक्शन करो ना करो, मकान मालिक तो आपसे रेंट लेगा ही लेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके फिक्स कॉस्ट बनती है। सिमिलरली एक और होता है वेरिएबल कॉस्ट, नाम में ही वेरिएबल है, मीन्स ये चेंज होती रहती है। किस बेसिस पे चेंज होती है, कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं।
वेरिएबल कॉस्ट को वी से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं वी इक्वल्स टू स्मॉल वी इंटू एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, स्मॉल वी क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड मीन्स हमने जितनी यूनिट प्रोड्यूस करी उसकी यूनिट कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, यूनिट कॉस्ट कितने का पड़ा हमको, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी उस बेसिस पे डिपेंड करेगी। अच्छा स्मॉल वी है, स्मॉल वी वेरिएबल होता है या फिक्स होता है? एक्चुअल मार्केट में यदि देखें हम तो ये चीज़ वेरी करती रहती है, आज कोई चीज़ 10 रुपये किलो थी, कल 15 रुपये किलो हो गई, परसों 20 रुपये किलो हो गई, उसके अगले दिन 18 रुपये किलो रह गई। लेकिन यदि हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बीटेक लेवल की बात करें तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये कांस्टेंट है। सिमिलरली हम टोटल सेल्स पे जब बात करेंगे, टोटल सेल्स को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एस इंटू एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि जो टोटल सेल्स की वैल्यू है ये भी चेंज होती रहती है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेबर की कॉस्ट पे डिपेंड करता है। बट हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि अभी हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें हम स्मॉल एल की वैल्यू को फिक्स मान के चलेंगे। स्मॉल एस क्या है, सेल्स पर यूनिट, मीन्स हम एक यूनिट को कितने में बेच रहे हैं। स्मॉल वी क्या है, एक यूनिट हमको कितने का पड़ रहा है, ठीक है। तो यदि हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करें तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स का जैसा इसका कुछ फॉर्मेट है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लाइन का फॉर्मेट होता है, बट यहाँ पे सी की वैल्यू जीरो है, मीन्स ओरिजिन से लाइन गुजरेगी, तो कुछ ऐसे ड्रॉ करा जाएगा। ये क्या है, वी इक्वल्स टू वी इंटू एक्स, ये डिपेंड कर रहा है यदि प्रोडक्शन जीरो है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, यदि प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो फिक्स ही रहने वाली है। इसके बाद हम यदि पूरी कॉस्ट को एक साथ डिनोट करना चाहें कर्व पे, तो हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, ये कॉस्ट एक्सेस है, ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक्सेस है, ये फिक्स कॉस्ट की लाइन है, तो ये टोटल कॉस्ट की लाइन है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसको मैं टीसी से डिनोट करूंगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। सिमिलरली टोटल सेल्स, टोटल सेल्स मैंने आपको बताया कैपिटल एस इक्वल्स टू स्मॉल एस इनटू एक्स, स्मॉल एस क्या है सेल्स पर यूनिट, मीन्स एक यूनिट को हम कितने में बेच रहे हैं, एक्स क्या है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स हमने कितने यूनिट बनाए वॉल्यूम के, एस क्या है टोटल सेल्स, मीन्स हमको टोटल कितना रेवेन्यू मिल रहा है यदि हमने सारी यूनिट्स को सेल कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट अजम्पशन हम ब्रेक इवन एनालिसिस में लेते हैं कि जितनी भी यूनिट हमने प्रोड्यूस करी सारी की सारी यूनिट हमने बेच दी, कोई भी यूनिट में कैरिंग कॉस्ट नहीं है, कोई भी यूनिट में होल्डिंग कॉस्ट नहीं है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यदि हम इसको कर्व पे डिनोट करना चाहें तो ये भी वाई इक्वल्स टू एम एक्स जैसा ही कुछ शेप है, तो यहाँ पे कॉस्ट एक्सेस, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, टोटल सेल्स लाइन कुछ ऐसी आने वाली है। तो आई होप ये क्लियर है। यदि हम इसको टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स लाइन को डिनोट करें एक ही कर्व पे, तो हमारे पास जो चार्ट आता है उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन चार्ट। इस एक्सेस को हम कॉस्ट एक्सेस बोलते हैं, इस एक्सेस को हम आउटपुट या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, इसको हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। तो मैंने बताया था टोटल कॉस्ट कुछ ऐसे जाती है एंड टोटल सेल्स या रेवेन्यू कुछ ऐसे जाता है। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल सेल्स, मीन्स ना प्रॉफिट ना नुकसान, तो इसको बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं इसमें, तो ब्रेक इवन पॉइंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट से पहले का जो रीज़न है, यहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है। ये जो ब्राउन लाइन है टोटल कॉस्ट की लाइन है, ब्लू लाइन टोटल रेवेन्यू की लाइन है। तो हम देख पा रहे हैं कि ब्राउन लाइन ऊपर है, मीन्स यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है। सिमिलरली ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का जो रीज़न है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है, टोटल सेल्स ज़्यादा है, मीन्स ये प्रॉफिट का रीज़न है। अब एक दो टर्मिनोलॉजी है इससे समझने लायक, वो देख लेते हैं हम। ये दोनों लाइन जिस एंगल पे कट करती है थीटा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब आप मेरे को ये बताएं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ऑफ कोर्स हम तो हमेशा ये चाहेंगे प्रॉफिट ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, ये थोड़ी देर पॉज करें और सोच के बताएं मेरे को, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतनी ज़्यादा ये लाइन दूर दूर होंगी, मीन्स प्रॉफिट का रीज़न उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी सोचें, हम कॉस्ट की लाइन को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, सपोज कॉस्ट की लाइन फिक्स कर दी, रेवेन्यू की लाइन का हमने ये वाला स्लोप डेल्टा बढ़ाते गए कुछ ऐसी लाइन आई, फिर कुछ ऐसी लाइन आई,
मीन्स यहाँ पे ये थीटा था, अब ये थीटा है, अब ये थीटा है, मतलब थीटा बढ़ता जा रहा है। ये सपोज थीटा वन, ये थीटा टू, ये थीटा थ्री, थीटा थ्री ग्रेटर देन थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन। तो अब इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, ब्रेक इवन पॉइंट पहले यहाँ पे आ रहा था, वो अब यहीं पे आ गया, फिर यहीं पे आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट यहीं पे आ गया का मतलब है कि हमको कम यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ी, उसके बाद ही हमको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो इतना हमको समझ में आना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस सिंपल सा है, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना जल्दी हमको प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा सेम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक और टर्म होती है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट से हम कितना दूर हैं, हम कितना सेफ हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे जैसे ही हम आ गए, मतलब खतरा मंडराने लग गया कि यदि थोड़ा सा भी प्रोडक्शन कम करा आपने, आप लॉस के रीजन में चल जाओगे, और यदि लॉस हो गया तो प्रोडक्शन का पूरा सेंस ही खत्म हो जाता है, प्रोडक्शन का पूरा उम्मीद ही खत्म हो जाती है। लेकिन यदि हम ब्रेक इवन पॉइंट से काफ़ी आगे हैं, सपोज हम यहाँ पर हैं, हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है एक्स पे, और ये क्या है एक्स बी ई पी, बी ई पी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। एक्स बी ई पी का मतलब है कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए जितनी क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, और एक्स हमारा क्या है अभी करंट हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो यह है, इसको एम ओ एस मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और यदि हम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट देखें, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट देखें, तो हमारे करंट प्रोडक्शन के लिए हमारे पास टोटल रेवेन्यू ये है, और ब्रेक इवन प्रोडक्शन के लिए हमारे पास टोटल रेवेन्यू ये है। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको देखना है कि हमसे कौन सा वाला पूछा गया है, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।